is about to peak. Get ready to witness the biggest Punjabi artist on the planet. Yo guys, what's up everyone? Welcome back to another vlog. और भाई ये वाला vlog होने वाला बहुत ज्यादा बढ़िया, आपने thumbnail लेके तो पता लग गया होगा। बाकी भाई आज हम जा रहे हैं दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में। फॉर द फर्स्ट टाइम दिलजीत दोसांझ ही कॉन्सर्ट अटेंड कर रहे हैं भाई, इतना हाइप हो चुका है। कल भी दिल्ली में था इवेंट और भाई कह रहे कि बहुत ही तगड़ा मजा आ गया, बहुत तगड़ा माहौल बन चुका है। तो बेसिकली भाई आज जा रहा हूँ, बहुत लेट मेरा प्लान बन गया और भाई अभी फटाफट जा रहे हैं, देख लो भागे भागे अराइवल दिखा रहा है अभी आधे घंटे का। और भाई हमें जहाँ से पासिस कलेक्ट करने हैं मेरे को, वहाँ पे उन्होंने बोला कि फटाफट आ जाओ बिकॉज दे गाइज आर लीविंग फ्रॉम देयर। और भाई हमें फटाफट पहुंचना पड़ेगा, गाड़ी भगा रखी 140 पे दिलजीत पाजी सिर्फ आपके लिए। और भाई आज बड़ा मजा आने वाला है भाई, आज का व्लॉग बहुत तगड़ा होगा, पूरा दिखाऊंगा आपको जो भी BTS जो भी चीजें होती हैं। और साथ में कुछ भाई लोग हमें ज्वाइन करने वाले हैं, उनसे भी सबको मिलवाऊंगा। तो भाई आज गाड़ी उड़ रही है भाई, इस टाइम में ना हवा में गाड़ी, मेरे को ऐसा लग रहा है इतनी तेज गाड़ी भगा रखी है। तो भाई दिलजीत भाई वी आर कमिंग टिकट आ चुके हैं भाई हमारे पास और ऑल सेट टू गो मैन दिलजीत दोसांझ भाई, मजा आने वाला है बहुत तगड़ा मजा आने वाला है। सो गाइस लेट्स गो, लेट्स डू दिस। गाइस जैसे कि आपको पता है भाई गाड़ी हमने खड़ी कर दी है वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है भाई और बहुत ज़्यादा भसड़ हो जाती है। तो देख लो आज ऑटो में भाई यहाँ से मतलब 4 मिनट का रास्ता है, मतलब 1 किलोमीटर 800 मीटर ही है और यहाँ पे पार्किंग में लगा दी है गाड़ी। उठे ना भाई हम, क्योंकि मैं वापस उठ ना जाए, बट होप फॉर द बेस्ट भाई। और अभी पहुँच रहे भाई जस्ट 5 मिनट में। जो पेड़ दिख रहा है पेड़ के बीच में जो गड्ढा है, इस गड्ढे के अंदर है भाई, ठीक है, गेट नंबर 16 के बिल्कुल सामने इस गड्ढे के अंदर है, आइसक्रीम के रैपर में, आइसक्रीम का जो है ना रैपर, आइसक्रीम के रैपर के अंदर डाला है मैंने अपने वो, और जो गड्ढा है इस गड्ढे के अंदर ही है भाई, अच्छे से फंसा है तो इसमें से ले लेना, ठीक है भाई। तो एंट्री हो चुकी है अपनी, अभी तक तो क्राउड ठीक ठीक लग रहा है, बट अभी टाइम भी तो कितना हुआ यार, 6 बजे हैं अभी, क्राउड फटने वाला है बहुत गंदा ऐसा लग रहा है मेरे को भाई। और जी दिल्लू मीनाथी, इज इट इल्लुमिनाटी और दिल्लुमिनाटी, दिल्लुमिनाटी पंजाबी घर आ गए, ओए आ गए भाई पंजाबी आ गए। ऑल इज गुड, ये तो पहुंच गए भाई, ये पूरा पैक हो जाएगा क्या गाइस, ये पूरा पैक हो गया तो क्या भाई भाई यहाँ पे अभी तो खाली है गाइस। ये आ गया अपना एरिया भाई, VIP वाला भी VIP वाला ब्रो, और ये बाकी नॉर्मल स्टैंड से जो पीछे है सारे, ले भाई स्टेज के बिल्कुल पास, वेरी क्लोज टू द स्टेज गाइस, दिस इज द एंट्रेंस। और भाई पहुंच चुके हैं फैन पिट में, लो जी लो आ चुके हैं भाई जीत भाई के साथ भाई अपने गाइस, यहाँ भी लोग खड़े हैं बहुत ही VIP वाले यहाँ हैं, यहाँ कुछ ज़्यादा VIP वाले हम लोग, जो बिल्कुल ही क्लोज एक्सेस है, ये रहा अपना स्टेज बिल्कुल क्लोज एक्सेस है, यहीं आएंगे भाई वाइब करेंगे अभी थोड़ी देर में। और वो देख लो भाई यहाँ तक भी लोग बैठे भाई, पूरा पैक है भाई, पूरा JLM पैक पड़ा, पूरा JLM पैक, दिल्लो मीना जी ठीक है जी, लो जी भाई पहुँच चुके हैं, जिंदगी एक सपने वर्गी, सपने की एक सच्ची गल पता की जिन्हों की कोई मंजिल नहीं, असल च सफर ही अपने आप च मंजिल है, ते सफर विच मन रियल वाइज पर रियल हो रहा है, मैं इको एनर्जी कर रहा हूं, हर एक गल जेड़ी थोड़ी जिंदगी च थोड़े नाल हो रही है वो थोड़ी तैयारी लिए,
एक ओंकार, ये सब जो वापर रहे हैं वो से एक दे रहे हैं। जिन्हें भी जिंदगी दे एक्सपीरियंस ने उत्थान उतराश दे ते सारे तो वाद सटा से वाला अपने आप ही रात जाता है। ये सारी खेड़ इधर है जिन्हें कोई पहला तो लबी हो कुछ है ही ड्रामा है। सारे नदियां नाले झरने उसे एक चो निकल के उसे We'll be right back.
टेस्ट होर वड्डा पै जांदा कई बार इदां हुंदा समटाइम राइट सो मैं कोशिश करूंगा महाराज कृपा कर जिहड़ी मेरी सोच इदां दी है ते लाइफ थ्रू आउट इदां रहे ते जिथे भी मैं जावां ये अपनी सोच नाल लेके जावां तुसी जिन्ने भी आए हो I'm not afraid to die.
That was very very crazy concert भाई, मतलब इससे बढ़िया मैंने आज तक कभी अटेंड ही नहीं करा। मैंने काफी कॉन्सर्ट अटेंड करे हैं, काफी वाइब ली हैं, बट भाई इससे ऊपर दिस इज द नेक्स्ट लेवल भाई। मतलब इसमें मतलब अलग ही वाइब थी आज, मतलब कोई 55-60 हजार लोग पूरा पैक, और मैं सबसे आगे खड़ा हुआ था मतलब, और पीछे पूरा क्राउड भाई, मतलब नेक्स्ट लेवल चीज होगी भाई। तो मजा आ गया काफी, आई होप कि आपको भी ब्लॉग देख के अच्छा लगा होगा। मैंने इतने कौन से अटेंड किए हैं, इंटरनेशनल सिंगर्स के भी, एलन वॉकर, जस्टिन बीबर, ये सब अटेंड किया है मैंने। इंडिया में सिद्धू मूसे एंड इंडिया ने भी सिद्धू मूसे वाला, एपी ढिल्लो, मतलब सारे ऑलमोस्ट अटेंड किए हैं। बट ये पहला सा कॉन्सर्ट था जिसमें इंटरवल हुआ है, मतलब एक घंटा प्ले किया, उसके बाद एक 20-25 मिनट इंटरवल, फिर एक घंटा प्ले किया। इट वॉज रियली क्रेजी यार, मतलब की अलग ही वाइब थी। तो यार मैंने कुछ ट्राई किया था दिखाने का आपको, कॉन्सर्ट का पूरा व्लॉग बनाने का, पूरा व्लॉग बनाया। आई होप कि आपको अच्छा भी लगा होगा। कुछ कुछ सॉन्ग्स मैंने डाले नहीं बिकॉज ऑफ द कॉपीराइट इशू, और मुझे लग रहा है इसमें भी कॉपीराइट आ सकता है। सो लेट्स सी, अगर कुछ क्लिप्स कट की होंगी मेजरली तो समझ जाना कॉपीराइट आ गया है, नहीं कटी होंगी तो मतलब समझ जाओ नहीं आया। तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट करना बिकॉज इसमें ना ये नॉन मोनेटाइजेशन वीडियो जाएगी, इसे मोनेटाइज तो नहीं होगी, बट आप लोग प्लीज लाइक और शेयर करके ना थोड़ा मतलब सपोर्ट दिखाओ ताकि मैं और व्लॉग्स अच्छा डालने लगाऊं। अगला व्लॉग आने वाला है दुबई का, मेरा सीरीज 3 का व्लॉग स्काई डाइव का, और वो आने वाला है 2 दिन बाद। तो फटाफट आप इसको शेयर कर दो ताकि मेरे को मोटिवेशन लगे और मैं वो फटाफट वो दुबई वाला स्काई डाइव वाला व्लॉग डाल दूं। सो गाइस सी यू नेक्स्ट व्लॉग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, फटाफट लाइक शेयर कर देना, और अगला व्लॉग स्काई डाइव का वेट कर दो।